हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लिब्रा असेंडेंस एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस साइन फ्रॉम 20th जून 2021 टू 18th अक्टूबर 2021। यू नो वेरी वेल माय ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंस साइन, नथिंग टू डू विद योर जॉडिक साइन और मून साइन। जस्ट कीप योर असेंडेंस साइन इन योर माइंड एंड लिसन माई वीडियो, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूर असेंडेंस। सो जुपिटर इज नॉट अ बेनिफिशियल प्लैनेट फॉर योर असेंडेंस, transiting in Aquarius sign, in your fifth house, in your Pancham Bhav. First of all, there is mixed type of results you will get. The rule number one, which we need to follow, if you have a retrograde Jupiter in your birth chart, you will definitely blessed with this time from 20th June to 18th October 2021. But if you have a direct Jupiter in your birth chart, your Jupiter is not retrograde in your birth chart, then you will face lot of challenge, lot of obstacle. You are not feeling comfortable. You are trying to perform your best, but you are failed to get results. Your seniors are not satisfied from your performance. You will face lot of challenge. Finance is very tight. You are not feeling comfortable. Some health issues will arise. Your stomach problem, liver related problem, kidney related problem will arise. Libra, you need to be careful. Jupiter may be transit in your Karka Bhav, in your fifth house, which is very strong position of Jupiter. But as per Kal Purush Kundli, Jupiter is very strong. But as per your ascendance, Jupiter is not very promising, not very beneficial planet for you. Libra ascendance is sare samay mein aap samal ke chalein. कोई नई कमिटमेंट ना करें, कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें। ये समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। दिखेगा कुछ और होगा कुछ और। रियलिटी से आप बहुत दूर रहेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी क्योंकि जुपिटर कारक भाव में है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन होने में उनमें बड़ा टाइम लग जाएगा। डिलेज होंगे हर एक चीज़ में। चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी जैसे आप करना चाहते हैं। अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान रख के चलें। जितना ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रख के चलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये समय आपके लिए कुछ किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आने वाला है। हो सकता है आपका वेट गेन हो जाए, हो सकता है चर्बी फैट्स आपके बढ़ जाएं। सो नीड टू बी केयरफुल एंड मस्ट गो फॉर द सम एक्सरसाइज। लिब्रा, ये सारा समय आपके लिए कुछ कंफ्यूजन लेकर आ रहा है, कुछ हर्डल्स लेकर आ रहा है। ये सारा समय आपका फैमिली एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहेगा। लव्ड वन के साथ आपके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा नहीं चलेंगे। स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। अगर करेंगे तो उससे रिटर्न की उम्मीद अभी ना करें क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड है। अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो स्टॉक मार्केट से आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा 20th जून से लेकर 18th अक्टूबर के बीच। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं है, डायरेक्ट है और आप गोचर में वो वक्री होने जा रहे हैं, रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, परेशानियाँ लेकर आने वाला है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट बिकॉज इस सारे समय में आपको वैसे रिजल्ट्स ना मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं। लव्ड वन के साथ प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यूज़ होंगे, फाइनेंस में प्रॉब्लम होगी, तो आप बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें। काली माता की उपासना करते रहें, विष्णु भगवान की उपासना दिन में करें, काली माता की उपासना शाम को करें। जितना ज़्यादा आप उपासना करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सारा समय आपके लिए गजब की उपलब्धियाँ भी लेकर आएगा। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अगर आप अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे या आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करेंगे। देखिए, चैंटिंग प्ले अ बिग रोल। आपको भुक्ति चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, भगवान शिव की चरण में जाएं, भगवान शिव का आशीर्वाद लें। जितना ज़्यादा भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे, विष्णु भगवान का आशीर्वाद लेंगे, उतना ज़्यादा आप जिंदगी में तरक्की करेंगे। सो गाइज, ये सारा समय आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है। अगर आप आईटी इंजीनियर हैं, अगर आप किसी किस्म के कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, तो आप इस समय बहुत संभल के चलें क्योंकि आपके सीनियर्स आपसे और काम की डिमांड करेंगे जो आप फुलफिल करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये सारा समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ उलझने लेकर आने वाला है। सो लिब्रा, यू नीड टू बी केयरफुल। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।